जानवा जी बोलिए, अब सुन रहे हैं आपको। जी जी, ये सही है कि जो आंकड़े अभी आज तक के स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं, वो आंकड़े हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं मानता हूं कि जब ये फाइनल रिजल्ट आएंगे तो ज़रूर हमारी टैली ठीक होगी। और अभी क्योंकि ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा रिज़ल्ट अभी जो दिखा रहा है वो हम ज़रूर पीछे हैं, लेकिन हमें पूरी यकीन है कि हम आगे निकलेंगे। हमने वहाँ अच्छा काम किया था, हमने केंद्र और राज्य के काम पर वोट मांगा, हम विकास के मुद्दे पर लड़े। हमारे विरोधी विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि जज्बाती मुद्दों को लाकर चुनाव में वो खड़े हुए थे। फिर भी हमें उम्मीद है कि ये टैली ठीक होगी। उम्मीद के मुताबिक अभी तो नहीं दिख रहा। ये 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर बना देंगे 4 महीने में, ये विकास के मुद्दे मानते हैं आप या भावनात्मक मुद्दे मानते हैं? नहीं, ये सब तो जो देश के मुद्दे हैं वो भी बोलते रहते हैं हम, क्योंकि जब हम भाषण देने जाएंगे तो ये सेमिनार थोड़ी होता है भाषण, जिसमें कहा गया कि एक विषय पर सेमिनार में बोलना पड़ता है। जब हम सेमिनार में जाते हैं या जब आज तक में आप हमें बुलाते हैं किसी एक विषय पर, तो आप हमें विषय से बाहर नहीं जाने देते, लेकिन जब हम रैली में जाते हैं तो हम देश के सारे मुद्दे बोलते हैं। तो मतलब बाइट बाइट थोड़ी होती है जो एक मुद्दे पर बाइट देकर मतलब आ जाए। क्योंकि लंबा भाषण देना होता है चुनावी रैली में, इसलिए ये भी बोल देते हैं कि 4 महीने में गगनचुंबी राम मंदिर बना देंगे। राम मंदिर पर लोग नीचे से जय जय श्री राम करते हैं, और तो फिर राम मंदिर पर बोलना कहीं पर बैन कहाँ है? ना अदालत ने बैन किया, ना संसद ने बैन किया। हम तो ये बताते हैं कि देश में जो लोगों की इच्छा है राम मंदिर बने, वो राम मंदिर बनेगा। देखिए, जब हम भाषण करने जाते हैं, मैं प्रवक्ता भी हूँ लेकिन पार्टी का वक्ता भी हूँ, तो जितना रोहित सरदाना जी के साथ बोलना होता है उससे ज़्यादा व्यापक रैली में बोलना होता है, क्योंकि यहाँ आपके पास मिनटों का समय देते हैं और वहाँ घंटों का समय होता है, तो व्यापकता से देश दुनिया की बात रखते हैं, पूरे अपने भारत की हर विषय को रखते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा विकास पे था। हम झारखंड के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े, हमारा एक भी एडवर्टाइजमेंट आप देख लें, विकास के मुद्दे से हम दाएं बाएं नहीं गए। शनवास जी, हम लोग अगर ये जेएमएम प्लस 40 और बीजेपी 30 अगर हम दिखा रहे हैं, तो इसे आप जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर झारखंड की जनता की प्रतिक्रिया और उनका मैंडेट मानेंगे, या झारखंड की जो राज्य सरकार थी उसके कामकाज पर मैंडेट मानेंगे? श्वेता जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में राज्य के मुद्दे थे और लोकसभा का चुनाव हुआ तो केंद्र के मुद्दे थे, तो कई बार राज्य में राज्य के मुद्दे 90% तो हावी होते हैं, 10% राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, सब विषय पर लोग बोलते हैं, तो वो बोलना होता है। लेकिन हम चुनाव तो राज्य के मुद्दे पर लड़े हैं, हमने राज्य में रघुवर दास जी का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ा है, हम विकास के मुद्दे पर लड़े हैं और जनता की अदालत में गए हैं। अब जनता का जो फैसला आएगा सर माथे पर स्वीकार करेंगे, लेकिन राज्य के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़े हैं। और जब केंद्रीय नेता जब बोलने जाते हैं तब हम उसमें कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी अपने भाषण में रखते हैं, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, क्या इसमें राज्य के मुद्दे पर चुनाव लड़े? शहनवाज जी, आपके सहयोगी एक सवाल पूछना चाहते हैं एलजेपी से। पूछिए अजय जी। शहनवाज जी, आपको लगता है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं इसमें कम से कम दो चीजें अगर भाजपा ने अवॉइड की होती, एक अपनी टूट पार्टी के अंदर, सरयू राय जैसे लोगों का बाहर जाना, प्रदेश अध्यक्ष का निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना और सहयोगियों को अलग थलग करके चुनाव लड़ना, कहीं ये दो मुद्दे तो इस संख्या के लिए आपके आकलन में जिम्मेवार नहीं है? नहीं, देखिए, आप हमारे सहयोगी हैं, आप जानते हैं कि हम राज्य में साथ में चुनाव लड़ते हैं, जैसे लोजपा भी पूरे देश में कई जगह चुनाव लड़ती है, लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो ज़्यादातर बिहार के अंदर है। जैसे जेडीयू से भी हमारा गठबंधन लोजपा से बिहार के अंदर है, और हम बहुत मजबूत होके बिहार में इकट्ठे होके चुनाव लड़ते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तौर पे हमारे सहयोगी भी लड़ते हैं। जैसे जेडीयू गुजरात में भी लड़ता है, दिल्ली में भी लड़ता है, कई अन्य राज्य में लड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में भी वो चुनाव लड़ता है, तो हमारा जो बिहार का गठबंधन है वो बहुत बढ़िया है।
आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और जहाँ तक सवाल है हमारे नेतृत्व में महत्वपूर्ण लोगों का चुनाव नहीं लड़ना, तो हमने आकलन करके, मैं केंद्रीय चुनाव समिति का भी सदस्य हूँ, जब हम टिकट का निर्णय करते हैं तो उस वक्त वहाँ की परिस्थिति को देखकर निर्णय करते हैं और निर्णय सामूहिकता से होते हैं, उस वक्त की जो परिस्थिति होती है उसको ध्यान में रख के निर्णय करते हैं, लेकिन रिजल्ट तो जनता ने देना होता है। तो हमारे निर्णय तो सामूहिक हैं, लेकिन जनता के बीच में जब जाते हैं उनका जो निर्णय होता है वो सर माथे पर स्वीकार करते हैं। अभी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ रहे हैं, और नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आने के एक कारण नहीं होते, सही है आप, उसमें 2, 3, 4, 5, 10 कारण होते हैं। जब हम केंद्र में भी चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी का नाम होता है, तो वो मोदी जी के नाम पे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, ये कह के लोग वोट डालने जाते हैं। आपने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में राज्य के चुनाव में हम बहुत पीछे थे, लेकिन जैसे मोदी जी का नाम आया कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, हमने एक तरफा सीटें वहाँ पर जीती। इसलिए अभी मैं स्वीकार नहीं करूँगा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक दो घंटे में और क्लियर होगा, लेकिन अभी शुरुआती ट्रेंड ज़रूर ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ रहे हैं, और हमने पूरी तरह फोकस राज्य के मुद्दे पर किया था, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव में वोट मांगा। जी शहनवाज जी, हालांकि आप ये भी बता दें कि जेएमएम प्लस की तरफ से